हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 30 सितंबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। अभी आज के दिन देखेंगे क्या सिचुएशन बनी है। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया हमारे लेवल के आसपास, और ओपनिंग के बाद तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इन लेवल के आसपास जाता तो हो सकता है ये ऊपर की ओर सस्टेन कर जाता, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, और ये जब भी रेजिस्टेंस जोन के आसपास कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तुरंत सेलिंग में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2-3 इनसाइड कैंडल बनाने के बाद बहुत ही अच्छा खासा फॉल आ गया। कल के दिन यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई थी, आज गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे नीचे की ओर फॉल आ गया है। तो अभी हम लोग चार्ट जूम आउट करते हैं और देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है। जैसा कि आज का जो कैंडल है नीचे वाला, ठीक है, हमारे नीचे वाले दोनों टारगेट हिट हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये गैप ऑफ ओपनिंग के बाद इतना बड़ा कैंडल ऊपर की ओर सेलिंग में बना दिया है। कल के दिन बाइंग में इतना बड़ा कैंडल बना था, आज के दिन टॉप पे इतना बड़ा फिर से कैंडल बन गया। ये बड़ा कैंडल ऊपर बन रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, बड़ा कैंडल इतना बड़ा ऊपर की ओर अभी तक कैंडल नहीं बना था और बनना नहीं चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अगर ये बना है और यहाँ पे ये एक राउंड मतलब लगाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे अगर रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में ये रेंज मान लेते हैं ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को ऊपर की ओर फिर से लगभग लगभग 3080-90 के आसपास तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा चांसेस है 3100 का भी टारगेट हम लोग को देखने को मिल जाए। लेकिन अगर यहीं गलती से नीचे की ओर ब्रेक होता है तो 2900, 2800 हमने डिस्कस करके रखा है उन लेवल के आसपास जाएगा, लेकिन उसके पहले 2900, 2025 के आसपास आके रुकेगा एंड उसके बाद फिर से नीचे की ओर ब्रेक कर सकता है और इस तरीके से निकल सकता है। ये यहाँ पे इसका सिचुएशन है। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर इसको जाके देखेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन सकता है या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन सकता है। देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे आया है। ये नीचे आने के बाद अगर ये यहाँ पे इस तरीके से कंफर्मेशन दे देता है तो ये होगा हमारा यहाँ पे ऊपर का ट्रेंड लाइन, ये होगा हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट मिलता है तो इसको प्ले कर सकते हैं, और कम से कम लोग यहाँ से, ठीक है, इतना टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल कितना है, 3160 के आसपास का, और ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एंड आने वाले समय में इस ट्रेंड लाइन को हम लोग अच्छे तरीके से प्ले करेंगे। पहले हम लोग इस रेंज को प्ले करेंगे, इस चैनल को प्ले करेंगे। आप हेड एंड शोल्डर बोलिए, कुछ भी बोलिए, अगर इस तरीके से कर देंगे तो एक यहाँ पे चैनल बन जाएगा। इस चैनल को प्ले करेंगे, ये ऊपर वाले चैनल के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और इन लेवल के आसपास हम लोग फिर से प्लानिंग करेंगे ऊपर के लिए, ये ऊपर किस तरीके से निकल सकता है उसके लिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आज बात करते हैं अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे निगेटिव कैंडल बन गया है, तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से नीचे आता है और इन्हीं लेवल से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की यहाँ पे कोशिश करें। लेकिन अगर इसको फेल होता है यहाँ पे तो 2925 वाला लेवल आएगा पहले, फिर ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इन्हीं लेवल से लगभग लगभग 2990 के आसपास से सेलिंग मिलेगा और ये नीचे की ओर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फिर तो 2800 वाला हमारा टारगेट नीचे की ओर जो है वो दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बियरिश कैंडल बना है नो डाउट, लेकिन इस केस में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो एक बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ अगर यहाँ पे तो ये बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसके आसपास कहीं पे ओपनिंग हुआ और ये प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता है तो नीचे आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन सकता है। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़रूर लाइक करते रहिएगा और कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको। और अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स एंड टारगेट अगर की बात करें तो यहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग की वजह से अपना टारगेट सही से काम नहीं किया है, लेकिन कल के दिन के अगर हम लोग बाइंग की बात करेंगे तो कल अगर यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल हम लोग रखते हैं 3032 का, अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर हम लोग एक टारगेट रखेंगे और वो रहेगा 3048 तक का एक टारगेट हमारे पास रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट हमारे पास रहेगा लगभग लगभग 3055 का। नीचे की ओर गैप डाउन मतलब नीचे की ओर की बात करेंगे तो नीचे की ओर हम लोग इसको गिरता हुआ कब देख सकते हैं, तो अगर ये यहाँ पे आज 3 कैंडल का जो लो है उनको ब्रेक कर दे, 2988 को ब्रेक कर देगा, तो हम लोग यहाँ पे एक लेवल नीचे की ओर लेके चलेंगे जो कि 2976 के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से कल के दिन ये प्राइस एक्शन बना सकता है। लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे बना रहा है, देखिएगा ये बॉक्स है, जब भी ये बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, ये अच्छे तरीके से ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसी बॉक्स में 4-5 दिन से कितने दिन ट्रेड करेगा आप बताएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन ये ट्रेड नहीं कर सकता इस बॉक्स में।
आज नहीं तो कल, जिसको भी बायर्स को अगर ये लेवल अच्छा लगा तो ऊपर लेके चले जाएंगे, एंड बायर्स को अच्छा नहीं लगा तो सेलर इसको नीचे लेके चले जाएंगे। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, बहुत ज़्यादा लॉजिक यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम लोग को ये रेंज प्ले आउट करना है, राइट। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।